डाउटनेट पे कीजिए अपने सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी, सीखिए न्यू टिप्स एंड ट्रिक्स और सफाया करें अपने सारे मैथ्स डाउट्स का। डाउनलोड कीजिए डाउटनेट ऐप अभी या फिर व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर। क्वेश्चन इज, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द नेचुरल नंबर। फर्स्ट स्टेटमेंट इज देयर एग्जिस्ट अ स्मॉलेस्ट नंबर। सेकेंड इज देयर एग्जिस्ट अ लार्जेस्ट नेचुरल नंबर। थर्ड इज बिटवीन द टू नेचुरल नंबर देयर इज ऑलवेज अ नेचुरल नंबर। ओके, अब हमें बताना है कि इन तीनों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक, तो पहले हम देखते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है कि देयर एग्जिस्ट अ स्मॉलेस्ट नंबर। ठीक, तो नेचुरल नंबर को हम डिनोट करते हैं कैपिटल एन से, इस तरीके से स्क्रिप्ट एन से, और ये नंबर्स होते हैं 1, 2, 3, 4 अप टू सो ऑन। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जो स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर वो है 1, और यानी कि वो एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक, सो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो ट्रू हो जाएगा, क्योंकि एग्जिस्ट स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर जो वो एग्जिस्ट करता है। ठीक है, सिमिलरली सेकेंड स्टेटमेंट देखते हैं हम। सेकेंड स्टेटमेंट इज देयर एग्जिस्ट अ लार्जेस्ट नेचुरल नंबर। ठीक, तो देखिए नेचुरल नंबर के हम एक नंबर और बोलते हैं दैट दे आर काउंटिंग नंबर्स, काउंटिंग नंबर्स। और ये भी हम जानते हैं कि काउंटिंग नंबर्स कभी एंड नहीं करते, क्योंकि अगर आप कोई भी नंबर बोलेंगे उसमें अगर आप 1 ऐड कर देंगे तो नेक्स्ट नंबर मिल जाएगा। ठीक, जैसे फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि लास्ट नंबर 10 है, तो उसमें अगर मैं ऐड कर देता हूँ 1 तो ये हमें 11 मिल जाएगा। और आप कहते हैं कि हम लास्ट नंबर है 99,999, इसमें 1 ऐड कर दीजिए तो हमें नेक्स्ट नंबर मिल जाएगा 1 लाख। सिमिलरली अगर आप इसमें कोई भी नंबर ले लीजिए बड़ा से बड़ा, ठीक, इसमें अगर हम 1 ऐड करेंगे तो हमें एक इससे बड़ा नंबर ज़रूर मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो नेचुरल नंबर में जो लार्जेस्ट नंबर है वो कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक, लेकिन हमें स्टेटमेंट गिवन है कि देयर एग्जिस्ट अ लार्जेस्ट नंबर, सो देयरफॉर दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स स्टेटमेंट, क्योंकि लार्जेस्ट नंबर नेचुरल नंबर में कभी एग्जिस्ट नहीं करता। ओके, तो सेकंड स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। नाउ कम्स टू थर्ड स्टेटमेंट। थर्ड स्टेटमेंट इज बिटवीन द टू नेचुरल नंबर देयर इज ऑलवेज अ नेचुरल नंबर। तो यानी कि कह रहा है कि किसी दो लगातार नेचुरल नंबर के बीच में एक नेचुरल नंबर एग्जिस्ट करेगा। ठीक, तो देखिए नेचुरल नंबर्स होते हैं हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक, तो इसमें से मैं कोई से दो कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर ले लेता हूँ, तो मैं सपोज कर रहा हूँ 2 और 3, तो ये 2 और 3 नेचुरल नंबर है। अब हमें फाइंड आउट करना है क्या इनके बीच में भी कोई एक नेचुरल नंबर है। तो आप देखिए 2 और 3 के बीच में कोई भी नेचुरल नंबर नहीं है, क्योंकि अगर आप ऐसे इनको ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे, सो 2 + 3 / 2 दैट इज इक्वल टू 2.5, बट 2.5 इज नॉट अ नेचुरल नंबर, ये नेचुरल नंबर नहीं है। नेचुरल नंबर होते हैं सिर्फ वो नंबर जो 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरीके के होते हैं। ओके, तो हम कह सकते हैं कि किसी भी दो नेचुरल नंबर के बीच में, कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स के बीच में नेचुरल नंबर एग्जिस्ट नहीं करेगा, सो दैट मीन्स थर्ड स्टेटमेंट इज ऑल्सो फॉल्स। ओके, तो यानी कि तीनों स्टेटमेंट में से सिर्फ फर्स्ट स्टेटमेंट ऐसा है जो करेक्ट है, सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी ऑप्शन, दैट इज ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू। डाउटनेट पे कीजिए अपने सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी, सीखिए न्यू टिप्स एंड ट्रिक्स और सफाया करें अपने सारे मैथ्स डाउट्स का। डाउनलोड कीजिए डाउटनेट ऐप अभी या फिर व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।